नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। भाजपा के एक दिग्गज नेता, एक वरिष्ठ नेता जो कभी चुनाव नहीं आ रहे, अब उन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है, संन्यास लेने की बात कह दी है, या फिर यूं कहा जाए कि चौधरी बंसीलाल परिवार की तीन पीढ़ियों को लगातार मात देने वाले, पटकनी देने वाले, चुनावी मैदान में हार का मजा चखाने वाले नेता ने अब चुनावी राजनीति से संन्यास की बात कह दी है। अगला चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया है, चुनाव से जो है पीछे पांव खींच लिए हैं। हम बात करें चौधरी धर्मवीर सिंह की, जिनको आप जानते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद के रूप में 2014 से और 2024 तक जो तीन लोकसभा चुनाव हुए हैं, तीनों बार चौधरी धर्मवीर सिंह ने भाजपा की टिकट पर जीत दर्ज करके इस बार हैट्रिक लगा दी, यानी कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से तीसरी बार लगातार सांसद चुने गए 2024 में। चौधरी धर्मवीर सिंह ने अब चुनाव के तुरंत बाद ही अगला चुनाव लड़ने से मना कर दिया, अगला चुनाव लड़ने से जो है साफ इनकार कर दिया है, ये कहते हुए कि अब जो है दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए, युवा पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं अब वो जो है चुनावी राजनीति से दूरी बना रहे हैं। हालांकि राजनीति में फिर भी सक्रिय रहेंगे, चाहे वो अपने परिवार के लिए रहें, चाहे वो अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को जिंदा रखने के लिए सक्रिय रहें, लेकिन राजनीति में सक्रिय रहेंगे, परंतु चुनावी राजनीति से संन्यास की बात चौधरी धर्मवीर सिंह ने कह दी है। अब सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि चौधरी धर्मवीर सिंह के संन्यास लेने की बात से बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा, बीजेपी को कोई बड़ा नुकसान होने जा रहा है, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की राजनीति में कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा, या फिर इससे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला, और आखिर क्या कारण है कि चौधरी धर्मवीर सिंह आने वाले समय में चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर चुके हैं। हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको चौधरी धर्मवीर सिंह के राजनीतिक जीवन पर एक नजर डाल लेते हैं, एक नजर जो आपकी डलवा लेते हैं कि 1987 के अंदर पहली बार लोकदल से चुनाव लड़ा तोसाम हल्के से, और वहां पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल को चुनाव के अंदर मात दी। इसके बाद 2000 के अंदर फिर जो है वो तोसाम से ही चुनाव लड़ते, लेकिन इस बार पार्टी बदल चुकी थी, इस बार उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा और चौधरी बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह को चुनाव के अंदर मात दी। इसके बाद 2005 में तोसाम सीट से स्थानांतरित होकर वो बाडरा हलके में पहुंच गए, और बाडरा हलके में भी कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ते हुए उन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद अगले चुनाव में, यानी कि 2009 के चुनाव में एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ, चौधरी धर्मवीर सिंह को भिवानी जिले से उठाकर जो है गुरुग्राम जिले के अंदर भेज दिया गया, यानी कि सोहना हलके में उनको चुनाव लड़वाया गया कांग्रेस की तरफ से, और वहां भी कमाल यह रहा कि चौधरी धर्मवीर सिंह का जादू देखने को मिला, और 2009 में अपना गृह क्षेत्र, अपना गृह हलका छोड़कर दूसरे जिले में जाकर, दूर दराज क्षेत्र में जाकर, एक ऐसी सीट के ऊपर जहां उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि कभी नहीं रही, और वहां भी वो जो है चुनाव जीत गए। 2009 में सोहना हलके से भी विधायक चुने गए, यानी कि लगातार चार बार विधायक बने, यानी कि चार बार वो विधायक बने। इसके बाद कांग्रेस पार्टी छोड़ने का समय आ गया, और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस ने उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया। रविंद्रजीत सिंह के सहयोग से भाजपा में एंट्री हुई, और एंट्री के साथ ही उनको लोकसभा का टिकट थमा दिया गया। चौधरी धर्मवीर सिंह ने 2014 में पहली बार भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, और इस चुनाव के अंदर चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी को चुनाव हरा दिया, जो कि सिटिंग एमपी थी, सिटिंग एमपी को भी चुनाव के अंदर पटकनी दे दी, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले शख्स ने, यानी कि चौधरी धर्मवीर सिंह ने। इस तरीके से 1987 में चौधरी बंसीलाल को, 2000 के अंदर चौधरी सुरेंद्र सिंह को, और 2014 के लोकसभा चुनाव में श्रुति चौधरी को मात देकर धर्मवीर सिंह ने बंसीलाल परिवार की तीन पीढ़ियों को चुनावी मैदान में पटकनी देने का रिकॉर्ड बना दिया। और ये रिकॉर्ड मात्र सिर्फ चौधरी धर्मवीर सिंह के नाम पर, इसके अलावा कोई नेता जो है ऐसा कमाल, ऐसा जादू नहीं दिखा पाया। इसके बाद जो है 2014 में जो धर्मवीर सिंह की किस्मत पलटी, वो कहीं ना कहीं
अब तक रंग दिखाती हुई नजर आ रही है। यानी कि 2014 में पहली बार जो व्यक्ति लोकसभा चुनाव में उतरा और सांसद भी बन गया, उसके बाद कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और लगातार तीसरी बार यानी कि 2014, 2019 और अब 2024 में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सांसद बनने का रिकॉर्ड बना दिया। यानी कि लगातार तीन बार सांसद चुने जाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया भाजपा पार्टी से। अब ऐसे में अगर इनके राजनीतिक जीवन परिचय पर नजर डाली जाए तो देखने को मिलेगा कि बहुत ही सफल जो है नेता चौधरी धर्मवीर सिंह रहे हैं। बड़ा ही सफल राजनीतिक जीवन चौधरी धर्मवीर सिंह का रहा, जिन्होंने एक चुनाव जीतने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और इसके बावजूद भी बहुत जल्द जो है वो चुनावी मैदान से नदारद नजर आएंगे, गायब नजर आएंगे, क्योंकि अगला चुनाव लड़ने से उन्होंने मना कर दिया है। अब इसके पीछे के क्या सियासी कारण, उन पर अगर नजर डाली जाए तो सबसे पहला कारण यही बताया जा रहा है कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी मावर बेटी ने जब से पार्टी बदली यानी कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई है, भाजपा में एंट्री हुई है, उसी के बाद से चौधरी धर्मवीर सिंह नाराज है। हालांकि उनकी नाराजगी इसलिए भी है कि इस बार जो है वो कैबिनेट मंत्री की दौड़ में शामिल थे, लेकिन उनका पत्ता जो है इस बार भी काट दिया गया। हालांकि उन्होंने नाराजगी यह भी जाहिर की कि अहिरवाल के बड़े नेता जिनके सहयोग से चौधरी धर्मवीर सिंह लगातार तीन बार सांसद बने गए, लगातार तीन बार उनको टिकट भी मिली, राव इंद्रजीत जिनका हक बनता था कैबिनेट में मंत्री बनने का, उनको भी जो है राज्य मंत्री बनाया गया, तो इस बात पर भी चौधरी धर्मवीर सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। तो ऐसे में कारण कई हो सकते हैं नाराजगी के, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है वो अपने बेटे को राजनीति के अंदर सक्रिय करना, राजनीति के अंदर अपने बेटे की जड़ें जमाना और उसको एक सफल राजनीतिज्ञ बनाना अपनी तरह, यह एक बड़ा सपना चौधरी धर्मवीर सिंह देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि यही सबसे बड़ा और प्रमुख कारण है कि चौधरी धर्मवीर सिंह ने चुनावी मैदान से संन्यास ले लिया है, चुनावी मैदान अब छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर ध्यान दिया जाए तो इस लोकसभा चुनाव से पहले यह चर्चाएं चली थी कि चौधरी धर्मवीर सिंह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो चुनाव जो है छोड़ चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं, और इस बार या तो उनके बेटे जो है लोकसभा चुनाव में नजर आएंगे या फिर अपने बेटे को विधानसभा चुनाव में जो है वो उतारने जा रहे हैं। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के सहयोग से फिर जो उनको टिकट मिली और उनको चुनाव मैदान में उतरना पड़ा, लेकिन अब चुनाव के तुरंत बाद ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव आगे नहीं लड़ने जा रहे हैं। तो बड़ी बात यह हो सकती है कि अपने बेटे के लिए उन्होंने चुनावी मैदान छोड़कर कहीं ना कहीं आगे की अपनी राजनीतिक जमीन खाली कर दी है, राजनीतिक जमीन जो है छोड़ दी है, ताकि बने बनाए पिच के ऊपर उनका बेटा बैटिंग कर सके, उनका बेटा भी एक जो है सफल राजनेता बन सके, हरियाणा की राजनीति में या फिर केंद्र की राजनीति में अपनी जड़ें जमा सके। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि चौधरी धर्मवीर सिंह आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने बेटे के लिए बारडा हल्के से टिकट की डिमांड भी करने वाले। हालांकि बीजेपी जिसकी पॉलिसी है परिवारवाद के खिलाफ, कहीं ना कहीं एक परिवार से एक टिकट का जो नियम भाजपा लेकर चलती है वो हर नेता के सपनों को दबाता आ रहा है पिछले लंबे समय से। तो ऐसे में इस बार चौधरी धर्मवीर सिंह अपने बेटे को टिकट दिलवाने में कामयाब रहेंगे या फिर नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का भाजपा में आना भी चौधरी धर्मवीर सिंह के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि इनको बंसीलाल परिवार का धुर विरोधी बोला जाता है, जिन्होंने राजनीतिक मैदान में, जिन्होंने चुनावी मैदान में चौधरी बंसीलाल की तीन पीढ़ियों को मात दी है, तीन पीढ़ियों को जो है हराया है। तो ऐसे में इनसे बड़ा जो है ध्रुव विरोधी चौधरी बंसीलाल परिवार का कोई नहीं है। और यह बात भी मानी जा रही है कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के भाजपा में आने से बड़ा राजनीतिक नुकसान जो है, बड़ा सियासी नुकसान जो चौधरी धर्मवीर सिंह को हुआ, और इसीलिए वो चुनावी मैदान से अब दूरी बनाने की बात कह रहे हैं। हालांकि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की बात की जाए या फिर हरियाणा प्रदेश की जनता की बात की जाए, चौधरी धर्मवीर सिंह के अगला चुनाव ना लड़ने के बयान को लेकर, अगला चुनाव ना लड़ने के ऐलान को लेकर जो बात कही जा रही है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। और इस जो है ऐलान के बाद भाजपा को कितना फर्क पड़ने वाला, आने वाले विधानसभा चुनाव पर इसका कितना प्रभाव रहने वाला है, ये भी जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24, नमस्कार, जय हिंद।